दुनिया में हर किसी को दूसरों से अलग दिखना है, हर एक शख्स को पॉपुलर होना है। सबकी तमन्ना होती है कि दुनिया में उसका नाम हो, उनका डंका बचे। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? जी नहीं। 95% लोग अभी भी नॉर्मल लाइफ ही जी रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सिर्फ 5% ही दुनिया की वो आबादी है जो कि सेलिब्रिटी की लाइफ जी रही है। या यूं कहें कि अच्छे रूप में या बुरे रूप में वो 5% की आबादी ही है सबसे अलग। तो दोस्तों, आज के हम अपने इस एपिसोड में आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे ही कुछ लोगों से जिन्होंने फेमस होने के लिए सारी हदें पार कर दी, पॉपुलर होने के लिए हर तरह का काम किया और फेमस भी हो गए, तभी तो आज हम उनका नाम लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस एपिसोड की। लेकिन दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक छोटे से रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नंबर 1, इनसे मिलिए। ये हैं सहर तबर। इन्हें देखकर कोई भी डर जाएगा, किसी को भी लगेगा कि आखिर ये भूतनी कौन है। दोस्तों, आपको बता दें कि सहर तबर को बचपन से ही खूबसूरत दिखने का बहुत शौक था। खूबसूरत बनने के लिए इन्होंने बहुत मेहनत भी की, लेकिन ये बुरी तरह तब फंस गई जब इन्होंने प्लास्टिक सर्जरीज करवाना शुरू कर दिया। इन्हें एंजेलिना जोली की तरह देखना था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इस महिला ने 50 से ज्यादा बार अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराई है? जी हाँ, 50 से ज्यादा बार ये अब तक प्लास्टिक सर्जरी करा चुके हैं। अभी तो एंजेलिना जोली छोड़िए, ये पूरी तरह से भूतनी दिखने लगे हैं। अरे, लोग कैसे कैसे शौक पा लेते हैं। नंबर 2, ये है बालों की दुकान। इनका नाम है रैन बैन हे। ये वेस्ट इंडियन आइलैंड्स के रहने वाले हैं। जरा इनके बालों को देखिए, कितने लंबे हैं भाई। ये खत्म ही होंगे या नहीं? ओ भाई, भला इतने लंबे बाल किसके होते हैं यार, ये तो कमाल है। जी हाँ दोस्तों, रे बैन हे करीब 60 साल के हैं, लेकिन इन्होंने पिछले 50 सालों से अपने बाल ही नहीं कटवाए। जी हाँ, आपने सही सुना, इन्होंने 50 सालों से अपने बाल कटवाए ही नहीं, तभी तो इनके बाल 6 मीटर से भी ज्यादा लंबे हो चुके हैं। आप खुद ही देख लीजिए कि कितने लंबे बाल हैं इनके, ये कितने खतरनाक दिख रहे हैं। हालांकि ये अपने लंबे बालों की वजह से भयानक बीमार पड़ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आज तक अपने बालों को कभी धोया ही नहीं। डॉक्टर ने इन्हें साफ कह दिया कि अगर आप अपने बाल नहीं कटवाएंगे तो आपकी परेशानी बहुत बढ़ जाएगी। इन्होंने अपने बाल तो कटवा लिए, लेकिन अकेले में बैठकर बालों को याद करते हुए रोते रहते हैं। नंबर 3, दोस्तों ये है लुइस पेड्रो। इन्हें देखकर आपको लगेगा कि ये शायद कोई लड़की है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये दरअसल एक लड़का है। बचपन से ही इन्हें परियों की कहानियां बहुत पसंद आती थी, तो इसलिए इन्होंने अपने आप को परियों की तरह दिखाना शुरू किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक महीने में तकरीबन 4 लाख से ज्यादा रुपए की क्रीम अपने चेहरे पे लगा लेते हैं। जी हाँ, 4 लाख से ज्यादा की क्रीम महीने में चेहरे के लिए। इतना ही नहीं, अब तक इन्होंने 40 से ज्यादा बार अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी कराई है। जैसे फिल्मी कैरेक्टर को पसंद करना तो समझ आता है, लेकिन उस कैरेक्टर के लिए इतना पागल हो जाना, भाई ये समझ से परे है। इतना पैशन भी ठीक नहीं यार। नंबर 4, दोस्तों आजकल के जमाने में हर किसी को बॉडी बनाने का बहुत शौक है। हर दूसरे इंसान को बॉडी बिल्डर बनना है, यही ख्वाब था अर्लिंडो डिसूजा का भी। ये ब्राजील के रहने वाले हैं। इनको बॉडी बिल्डर बनना था, अपनी बॉडी के दम पर दुनिया में एक अलग ही पहचान बनानी थी। इन्होंने की तो बहुत मेहनत, पर बॉडी नहीं बनी। इसके बाद एक फ्रेंड ने इनको बताया कि आप सोफू नाम की दवाई का सेवन शुरू करें, उससे यकीनन आपकी बॉडी बनेगी। इन्होंने ये दवाई लेना शुरू कर दिया। दोस्तों, इनकी बॉडी तो बनने लगी, लेकिन सिर्फ बाइसेप्स मसल्स। जी हाँ, सोफू दवाई का असर सिर्फ बाइसेप्स पर ही हुआ। आप खुद ही देख लीजिए कैसे इनके बाइसेप्स फूल गए हैं, ये बहुत अजीब दिख रहे हैं। ये अपनी इस बॉडी की वजह से दुनिया भर में पॉपुलर हो गए हैं। इनके बाइसेप्स ही आज के दिन में इनकी पहचान है। नंबर 5, दोस्तों इनसे मिलिए। ये हैं इंग्लैंड के जे। इन्होंने पैदा होने से लेकर 20 साल की उम्र तक कभी ब्रश ही नहीं किया। जी हाँ, आपने सही सुना, इन्होंने कभी अपने दांतों को साफ नहीं किया। एक बार जब इनको दांतों में बहुत दर्द हुआ तो ये डेंटिस्ट के पास गए। जब डेंटिस्ट ने इनके दांतों को चेक किया तो वो भी घबरा गया। इनके दांतों की हालत बहुत खराब थी, ये सड़ चुके थे। डॉक्टरों ने इनसे साफ कह दिया कि इनको सारे दांत हटाने पड़ेंगे, नहीं तो कोई बड़ी बीमारी हो सकती है। जे ने तकरीबन 5 लाख रुपए खर्च करते हुए सभी दांतों को निकलवाया और नए दांत लगवाए। इनको बाद में ये रियलाइज हुआ कि 20 सालों तक ब्रश न करके इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। नंबर 6, ये है इंसान के रूप में छिपकली। नाम है इनका एरिक स्प्रेग। जी हाँ दोस्तों, इनको देखकर लगता है ना कि ये इंसान नहीं, कोई छिपकली है। दरअसल बात यह है कि एरिक को हमेशा से ही छिपकली जैसा दिखने का बहुत शौक था, जिसके चलते उन्होंने अपने जीभ की सर्जरी भी कराई। जीभ को 2 हिस्सों में कटवा दिया, इसके आगे 2 दांत भी बहुत नोकीले लगवाए, बिल्कुल छिपकलियों की तरह। एरिक छिपकली की तरह दिखने के लिए इतने पागल हैं कि इन्होंने पूरे 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। हालांकि अब इनको बहुत सारे इवेंट्स में बुलाया जाता है और ये खूब पैसा भी कमाते हैं। इनके शरीर को देखिए, कैसे इन्होंने पूरे शरीर में छिपकली की तरह टैटूज करवा रखे हैं। दोस्तों, ये छिपकली की तरह देखने के लिए इतने पागल हैं कि इन्होंने आंखों में भी सर्जरी करवा ली। भाई आप लोग प्लीज ऐसा कुछ मत करना, क्योंकि ये पागलपन से ज्यादा और कुछ नहीं है। नंबर 7, ये है डेनिस एवनो, जिन्हें बचपन से ही शेर की तरह दिखने का बहुत शौक था, और शायद इसीलिए इन्होंने अपना ये हाल बना लिया है। जी हाँ, जरा देखिए इन्हें कैसी लग रही हैं, बिल्कुल शेरनी। डेनिस ने तो सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी कराई, फिर इन्होंने अपने होठों को 2 हिस्सों में कटवा दिया, अपने दांतों को नुकीला बनाया और कई सारे टैटूज भी बनवाए। आज जो इन्हें एक बार देख लेता है वो इन्हें कभी भूलता नहीं है, क्योंकि ये बहुत डरावनी जो दिखती हैं। आप सोचिए जरा, अगर कोई छोटा सा बच्चा इनको रात में देख ले तो कितना डर जाएगा। हालांकि आजकल डेनिस इतनी पॉपुलर हो गई हैं कि हर टीवी चैनल वाला इनका इंटरव्यू लेता फिर रहा है। नंबर 8, दोस्तों यह दुनिया की सबसे पतली कमर वाली महिला, जिनका नाम है कैथली जंग।
जी आपने सही सुना, इनके नाम सबसे पतली कमर वाली महिला होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इनकी कमर का साइज है 38 सेंटीमीटर। इनके पति एक सर्जन हैं जिन्होंने कैथली को इंस्पायर किया था कि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए जाएं। दोस्तों कैथली कुल 81 सालों की है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इनके साइज के कपड़े मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए इन्हें डिजाइनर्स से कपड़े सिलवाने पड़ते हैं। सही बात है भाई, जब कमर की साइज ही 38 सेंटीमीटर हो तो मार्केट में कहां कपड़े मिलेंगे। नंबर 9, यह है ईरान के एक शख्स जिनके नाम दुनिया का सबसे गंदा इंसान होने का खिताब है। जी आपने सही सुना, सबसे गंदगी वाला इंसान होने का खिताब। दरअसल बात यह है कि उन्होंने पिछले 60 सालों में कभी अपने शरीर पर पानी नहीं डाला, मतलब ये पिछले 60 सालों से कभी नहाए ही नहीं। बाप रे बाप, 60 सालों में इंसान नहीं नहाया। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जिस बॉटल में पानी पीते हैं उस बॉटल को भी इन्होंने कभी साफ नहीं किया। अब तो इनके हालात ऐसे हो गए कि डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि अगर अब आप नहाएंगे तो संभवतः बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि इन्हें अब गंदगी ही पसंद आने लगी है। नंबर 10, ये है मॉडर्न बार्बी डॉल। ब्राजील के इस शख्स को बार्बी डॉल बनने का इतना शौक चढ़ा कि इन्होंने अपना हुलिया ही बदल लिया। दरअसल बात यह हुई कि जब ये 17 साल के थे तब से इनको एक्टर बनना था, उसका भूत सवार था एक्टिंग का। ये ऑडिशन देने भी गए जहां इनको कहा गया कि इनका चेहरा हीरो बनने लायक नहीं है। ये बात इनको इतनी चुभ गई थी कि इन्होंने पूरी तरह से अपने आप को बदलने का मन बना लिया। तकरीबन 25 लाख रुपए इन्होंने अपने चेहरे को बार्बी डॉल की तरह दिखाने में लगा दिए। आज हालत यह है कि दुनिया की कई बड़ी बड़ी ब्रांड्स इन्हें एड्स में काम करने के लिए लेती हैं। इसे कहते हैं जुनून, है कि नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। रोड्रिगो ब्रागा, दोस्तों मिलिए इन जनाब से जो कि ब्राजील के रहने वाले हैं, जिन्हें सबसे अलग दिखने का शौक इस कदर सेट चढ़ गया कि इन्होंने अपने पूरे फेस को एक कुत्ते की शक्ल में तब्दील करवा लिया। जी हां दोस्तों, रोड्रिगो ने प्लास्टिक सर्जरी से एक मरे हुए कुत्ते के फेस को अपने फेस पर लगवा लिया, जिससे वो इस कुत्ते की तरह दिखें। दिखने में घिनौना तो लगता है, लेकिन इस लुक की वजह से इन्हें लोकप्रियता बहुत हासिल हुई। दोस्तों दूसरे लोगों से अलग दिखने के चक्कर में इन जनाब ने अपने साथ कुछ ऐसा किया जिससे न सिर्फ ये लोगों की नजरों में आए बल्कि दुनिया भर में वो टाइगर के नाम से जाने जाने लगे। जी हाँ दोस्तों, ये एक टाइगर की शक्ल में इंसान है। डेनिस ने अपने शरीर के अंगों और शक्ल की प्लास्टिक सर्जरी करवाकर हूबहू टाइगर का शक्ल धारण कर लिया है। एरिक डचाम, दोस्तों इन जनाब को अपनी चाइल्डहुड फैंटेसी में जीने की इतनी चाह हुई कि इन्होंने अपने आप को ही एक मर्मेड में तब्दील कर लिया। जी हाँ दोस्तों, ये आधे इंसान की तरह दिखते हैं और इनका आधा शरीर दिखता है मर्मेड की तरह। शुरुआत में तो एरिक मछली जैसे कपड़े पहनकर लोगों के बीच जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने हमेशा के लिए अपने आप को मर्मेड जैसा बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा ले लिया। हर्बर्ट चावेज, दोस्तों ये व्यक्ति बचपन से ही सुपरमैन जैसा बनना चाहता था, लेकिन वो सुपरमैन जैसा तो नहीं बन सका, पर वैसा दिखने के लिए उसने 16 साल तक प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि वो सुपर हीरो जैसा दिखे। अब तक इस व्यक्ति ने अपनी सर्जरी पर 5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए हैं। रिक जेनेस्ट, ये कैनेडियन मॉडल और आर्टिस्ट हैं जिन्हें जॉम्बी बॉय के नाम से भी जाना जाने लगा। बहुत कम उम्र में रिक को ब्रेन कैंसर हो गया था, लेकिन काफी इलाज के बाद वो बच गए और कैंसर से उबरने के बाद रिक खुद में कुछ बदलाव चाहते थे ताकि दुनिया में अलग पहचान बना पाए, और इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर पर ब्लैक कलर के टैटू गुदवा लिए जिससे उन्हें एक जॉम्बी लुक मिल सके। लेकिन रिक 32 साल की उम्र में ही दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों फेमस होना अच्छी बात है, लेकिन फेमस बनने के लिए कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे बाद में आपको तकलीफ हो। तो दोस्तों इनमें से किसका लुक आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारी और भी इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे सबसे पहले। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको और भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।